69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही जारी हुई मानो हंगामा मच गया। आरोप है कि इस भर्ती में जमकर धांधली हुई है। कहीं कहीं तो एक परिवार के 5 लोगों की एक साथ नौकरी लगी है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि सभी अभ्यर्थियों के नंबर भी लगभग एक जैसे ही थे। लेकिन इस बीच प्रयागराज से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यहां से एक महिला उम्मीदवार के नाम के कारण विवाद खड़ा हो गया है। इस लिस्ट में अर्चना तिवारी ने बाजी मारी है, जबकि उनकी मार्कशीट में कैटेगरी ओबीसी लिखी हुई है, जिसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। दरअसल आजमगढ़ के एक गांव से ताल्लुक रखने वाली अर्चना की मार्कशीट सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई है। सभी सवाल उठा रहे हैं कि जो उम्मीदवार नाम से जनरल कैटेगरी का हो उसका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में कैसे हो गया। मार्कशीट वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। नहीं, इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के स्तर से या संस्था के स्तर से कोई गलती नहीं है। परीक्षा का जो आवेदन पत्र भरा जाता है ऑनलाइन, हम लोग फॉर्म भराते हैं ऑनलाइन, बच्चे ही फॉर्म भरते हैं, उसमें सारी सूचनाएं उनके द्वारा ही इंटर की जाती हैं। जो उनकी सूचनाएं आती हैं उसी के आधार पर हम उनका एडमिट कार्ड इशू करते हैं और उसी के आधार पर उनका रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट में जो भी वर्ग उन्होंने लिखा वो वर्ग वहाँ पर अंकित होगा। सलेक्शन होने के बाद, यहाँ से पास आउट होने के बाद, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जब उनको जब जिला आवंटित किया जाएगा वहाँ पे, और उनके मूल अभिलेखों जो उन्होंने फार्म में सबमिट किए हैं मूल अभिलेख के संबंध में, उसका उसमें सत्यापन होता है। और सत्यापन में अगर इस तरीके की कोई विसंगति पाई जाएगी तो वहाँ पर उस जो है उनका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा। उसके लिए जिला समिति होती है, वहाँ पर जिला समिति निर्णय लेती है और उसके आधार पर इनके अभ्यर्थन के संबंध में निर्णय ले लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ऑनलाइन जब आवेदन लेते हैं तो उस समय अभ्यर्थी को ये निर्देश रहता है कि आप इसका एक प्रिंट लेकर के उसको एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को ठीक करके तब उसके बाद फाइनली उसको सबमिट कीजिए। उसके साथ फॉर्म में ही अभ्यर्थी स्वयं अपना एक घोषणा पत्र भी भरता है और उसको स्वीकार करता है कि इसमें जो भी प्रविष्टियाँ की गई हैं वो मेरे द्वारा की गई हैं, मेरी जानकारी के अनुसार सभी सही हैं, और अगर इसमें कोई विसंगति होती तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए परीक्षा संस्था अधिकृत होगी। वहीं इस मामले पर अर्चना के परिवार ने दावा किया है कि वे लोग गोसाई हैं और गोसाई ओबीसी में आते हैं। टाइटल तिवारी है लेकिन वो लोग ओबीसी हैं। अर्चना तिवारी की मार्कशीट देखें तो 10वीं 12वीं उन्होंने यूपी बोर्ड से की है, जहां 10वीं में उन्हें 600 में से 419 मार्क्स आए थे। वहीं कक्षा 12वीं में उन्होंने 500 में से 394 मार्क्स हासिल किए थे। उन्होंने VVSPU जौनपुर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन में उन्हें 1800 में से 1170 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद उन्होंने इसी कॉलेज से बीएड का कोर्स किया। अर्चना तिवारी प्राइमरी UPTET की परीक्षा में शामिल हुई जिसमें उन्हें 150 में से 115 मार्क्स मिले हैं। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।